बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या कनाबदो व या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, जुमे को जुमे की नमाज के बाद मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ, कारकुनों को कह रहा हूँ, बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूँ कि एक जिंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है और हमने एक पुरमन तरीके से बताना है, एहतजाज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया, कुरान शरीफ को, और आज़ादी राय के नाम पे, और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एहतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ, पुरमन, कोई तोड़फोड़ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने सिर्फ एक पैगाम देना है। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, सब ने आपने निकलना है जुमे के बाद और एहतजाज रजिस्टर करवाना है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको जितने भी मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं, जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, मैंने एक इस तरह का आदमी, अहलियत भी रखने वाला, ईमानदार, आजकल के हालात में एक ईमानदार आदमी ढूंढना, नज़रियाती आदमी, जिसको जो एक नज़रिया पाकिस्तान, जो कि हम एक आज़ाद मुल्क चाहते थे, हकीकी आज़ादी, नज़रियाती आदमी, उसको गिरा दिया गया। और अब कोशिश ये है कि जिस तरह पहले पिछले अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, उन्हीं लोगों ने फिर उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट गिराई, लेकिन कौम ने पंजाब की गवर्नमेंट को वो इलेक्शन के अंदर 16 जुलाई को फिर जता दिया, हम फिर वापस आ गए, फिर कोशिश की गिराने की, जबकि हमने 186 वोट लेके एक वोट से अपनी गवर्नमेंट बचाई पंजाब की, और उसके बाद हम इलेक्शंस मैंने अनाउंस किए आइन के मुताबिक। वो और बात है कि यहाँ आइन के ऊपर तो अब कोई कानून तो है ही नहीं, जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर ने फैसला किया इलेक्शन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट गिराई गई, और वो उसके मुंह से ही निकल गया जो पीएमएलएन के जो पार्लियामेंट्री लीडर, वो फारूक ने तो कह ही दिया कि जी ये कौन है इसके पीछे। और अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी आ गई थी कि बस वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी तरह गिराई जाए, लेकिन नुकसान किसको होगा अगर ये गिरा दें? और वो भी अब पूरी कोशिश है कि वो पैसा पूसा चलेगा, डराएंगे, धमकाएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप एक माशरे से जब इखलाकियात ही ख़त्म हो जाए, जब मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, जब इंसाफ ही ख़त्म हो जाए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जो ताकतवर है फिर वो जो मर्जी चाहे करे, तो वो उसको जंगल का कानून कहते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये बार बार क्यों आपको लेक्चर देता हूँ, क्योंकि मुझे खौफ है अपने मुल्क का। मैं खौफ ज़दा हूँ कि हम अब वो जिस तरफ निकल ये लेके जा रहे हैं हमें, वहाँ तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। और एक बड़ी ख्वाब है पाकिस्तान, है अभी भी है, जिसके नाम पे ये जब ये जो मुल्क बना था, ये बहुत बड़ी सोच थी इसके पीछे, इलामा इकबाल जैसा जहन था, जिन्होंने एक तसव्वुर दिया था, ख्वाब दिखाई थी हमें, और फिर कायदे आज़म जैसे लीडर थे। और कायदे आज़म की क्या सबसे बड़ी क्या क्वालिटी थी उनकी? उनके दुश्मन भी कहते थे कि कायदे आज़म एक सच्चा, एक सादिक और अमीन इंसान है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, कानून पे चलने वाला है। और वो पाकिस्तान को आज वहाँ खड़ा कर दिया है कि यहाँ ना कोई कानून, ना कोई आइन, ना कोई अखलाकियात, ना कोई एथिक्स, ना कोई मॉरल वैल्यूज़, ना कोई हमारे दीन की कोई फिक्र है कि ये एक इस्लाम किस तरह की, जो सीरत नबी जिससे हमारा सारा वैल्यू सिस्टम आता है, कोई किसी की परवाह नहीं है। बस एक 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 ऑब्जेक्टिव है बस, कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोकना है। और क्योंकि इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए उस पार्टी को भी ख़त्म करना है। तो उसके लिए फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में वारदात हो रही है, और ये इतना बड़ा जुल्म इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ख़्याल में खालिद खुर्शीद जो चीफ़ मिनिस्टर, मैं ये समझता हूँ कि
ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कर सकते थे, अभी तक मैंने कोई और इसकी काबिलियत का इंसान गिलगित बल्तिस्तान पर तो नहीं, मैं समझता हूँ कि कहीं भी पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर होते ये आउटस्टैंडिंग इंसान है। दूसरी चीज़ कि देखिए, मैं अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कौमें चलती किस चीज़ पे हैं। एक इंसानी माशरा, फिर से मैं आपको बताता हूँ, जानवरों और इंसानी माशरे में फ़र्क ही एक चीज़ है, इंसाफ। क्यों इतना हमारे दीन में इंसाफ के ऊपर जोर दें? क्यों अल्लाह ने इंसाफ कहा है? क्यों सारे पैगम्बरों को कहा कि एक ही पैगाम लेके जाओ कि इंसाफ कायम करो अल्लाह की ज़मीन पर? सारे पैगम्बरों को क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी? कानून के ऊपर कोई नहीं है। कैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, एक काजी उनके खिलाफ फैसला कर देता है, यहूदी शहरी के लिए फैसला कर देता है उनके खिलाफ, कि वो सोचे वो क्या इंसाफ के पैमाने थे? हज़रत उमर अपने बेटे को सजा दे देते हैं, उसको कोड़े मरवाते हैं, सजा दलवाते हैं उसको, क्योंकि कानून तोड़ता है। और क्यों जब वो पर्शियन एम्पायर का जब एम्बेसडर को भेजता है उनका, कि पता तो चलो ये कौन है मुसलमान, और वो जब जाता है हज़रत उमर को ढूंढने के लिए तो वो दरवाज़े पे जाता है, वो कहते जी, वह जब उनके आम सा दरवाज़ा होता है, वो कहते जी वो देखें दरख्त के नीचे सोए हुए हैं। तो वो जाके जब वापस बताता है तो आगे से वो कहता है कि जिस मुल्क में इंसाफ हो उस मुल्क का सरबरा, उसको कोई गार्ड की ज़रूरत नहीं होती, उसको वहाँ अमन होता है, उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता, जो इंसाफ देता है माशरा। इसी पे चर्चिल, वेस्टर्न चर्चिल जब तबाह हो रहा था बरतानिया, हिटलर की फोर्सेस खड़ी हुई थी बॉर्डर फ्रांस में, तो वो जब लोग पूछते हैं कि हम बच जाएंगे, उसने कहा अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हम बच जाएंगे। यानी कौमों की जो बुनियाद रखी जाती है वो अखलाकियात के ऊपर, इंसाफ, जब एक माशरे में इंसाफ होता है उनके अखलाकी मेयार होते हैं, कानून के नीचे सब एक बराबर हो जाते हैं, वो माशरे आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद माशरे ही तरक्की करते हैं। आप क्यों अल्लाह ने जो अपनी आज़ादी के लिए जो अपनी जान देता है, क्यों अल्लाह ने उसे शहादत का रुतबा दिया? आप सोचें कि अल्लाह ने पैगंबरों के बाद शहीद का रुतबा दिया है कि जो आज़ादी के लिए अपने अपने लिए जान देता है, क्यों इतना बड़ा रुतबा है? क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि सिर्फ आज़ाद माशरे ही ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं वही माशरों का अरूज होता है। आप ज़रा अमरीका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखे, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आप को आज़ाद किया था, वो मेरे ख्याल में 58 लोग थे जिन्होंने फ्रीडम डिक्लेरेशन साइन किया था, उनकी जिंदगियां देखें, एक एक ने कैसी क्या आज़ादी के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, उनमें से कितनों को कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, एक एक का देखें, उनके कारोबार तबाह हो गए, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी अपनी आज़ादी के लिए, और वही अमरीका फिर दुनिया की सुपर पावर बना क्योंकि आज़ाद था। गुलामों की कोई मुस्तकबल नहीं होता। तो मेरी कौम मेरी गौर से बात सुन लें, जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों को ना कोई तारीख का पता है, सबसे बड़ी बात ये कि उनको तो हमारे दीन के असूलों का ही नहीं पता। जो वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, कभी जालिम इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जुल्म है हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। गुलामी यानी गुलामी हमें आज़ाद करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह आया था, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के, हम इंसान को गैरत देने के लिए आया था। और जहाँ बदतरीन इंसान को इंसान की गुलामी करवाई जा रही है, कोई कानून नहीं है, डंडे मार रहे हैं, जेलों में भरा हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं लोगों के, घरों के अंदर घुसते हैं, न औरतों की परवाह करते हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं। आमिर मोहल के 5 बच्चे, 4 छोटे बच्चे उठा के ले गए, एक हमारा कारकुन था वो नहीं था तो उसके बच्चे उठा के ले गए, किसी की बहनें उठा के ले गए, बहन हमारा एक कारकुन का बहन और उसके भाई उठा के ले गए, क्योंकि वो टिकट होल्डर नहीं था घर पे,
घर तोड़ देते हैं, घर लूटते हैं, पुलिस घर लूट रही है। और तो लोगों को छोड़ो, एक्स प्राइम मिनिस्टर पार्टी के हेड के यहाँ 40 लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के आए और सारा घर जो जो चीज़ें मिली लूटी और लोगों को मारा, पकड़ के ले गए। वो बेचारे खनसामे को ले गए, वो जो माली था उसको उठा के ले गए, उनको किस जिस तरह जेल में रखा। मेरी बहन के मैं बताया हुआ कि खनसामे को उठा के ले गए, वो कहता जी आधा वक्त हम आधे हम खड़े होते थे क्योंकि सारे एक वक्त पर लेट नहीं सकते थे। वो ऐसे ऊपर से गर्मी लहदा, उसको बीमारी होगी वहाँ तो उसकी पहले तो रेजिस्टेंस ख़त्म होगी, खाना भी ना दे सही तरह। वो अभी तक वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, एक गरीब आदमी अपनी जिसके अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, औरतों को पकड़ा हुआ है जो औरतों से कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन देखें, उनकी उम्र देखें, कोई नहीं देख रहे, ना उम्र देख रहे ना कुछ देख रहे। और उनका जुर्म क्या है? सिर्फ जुर्म एक है कि इमरान खान को ख़त्म करना है। अप्रूवर बना रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं जी। अच्छा जी, आप सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान ने करवाया है। आजम खान को उठा के ले गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उठा के ले गए, पता नहीं कि 3 हफ्ते से वो गायब है। अप्रूवर बनाए जी, कोई इमरान खान के खिलाफ दे, जिसको पकड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे। शहबाज गिल को जब पकड़ा, कोई इमरान खान ने तुम्हारे से स्टेटमेंट दिलवाई है? ये जो अभी मेरा कल नैब में मैं गया, वो जो तोशाखाना केस की, वो जी वो फलाने आदमी ने वहाँ दुबई में जाके कह के जी मुझे घड़ी बेची है, वो फ्रॉड आदमी, उसके ऊपर केस किया हुआ है मैंने, वो जियो के ऊपर केस किया हुआ जिन्होंने किया है, मैं इंशाल्लाह वो केस अदालत के अंदर जीतूंगा। वो एक भागा हुआ नॉर्वे से, उससे उन्होंने बयान दिलवा लिया जी इमरान खान ने मुझे घड़ी बेची है किसी को। मैं सिर्फ ये आपके सामने ये सारी चीज़ें क्यों रख रहा हूँ? मैं ये रख रहा हूँ कि इस तरह कोई दुनिया का मजहब माशरा नहीं चल सकता, बच नहीं सकता। कोई जिस माशरे की बुनियाद में कोई मोरालिटी ख़त्म हो जाए, जिस माशरे के ऊपर जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा था, उन्होंने कहा कौम कैसे मरती है जब अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देती है, मर जाती है। अमर बिल मरूफ अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर उतने केसेस हैं चोरी के, 30 साल से केसेस बन रहे हैं इन पे। और यही अफसोस से कहना पड़ता है कि यही एस्टेब्लिशमेंट हमें फीड करती थी कि जी इन्होंने इतनी चोरी की, फलाने ने इतनी चोरी की। मैं सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ खड़ा था इनकी चोरियों के, हमें पूरी तरह डिटेल्स दी गई। जनरल अमजद ने मुझे बताया, जब पहले नैब के चीफ थे, उन्होंने बकायदा बताया इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी बाहर हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में पब्लिश की गई कि कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की मुल्क से बाहर। उसके बाद वो उनको NRO दे देते हैं, वो फिर लूटते हैं, फिर उनके ऊपर केसेस बनते हैं और वो फिर आके जनाब जनरल बाजवा साहब उनको फिर माफ़ कर देते हैं, फिर वो NRO मिल जाता है उनको, वो फिर ऊपर आ। और अब प्लान बन रहा है कि मज़ीद आगे इनको बिठाया जाए। दुबई में बंदर बांट हो रही पाकिस्तान की। अच्छा जी, जरदारी सिंध उसको दे देना, MQM को कराची दे देना, और ये नून लीग को सेंट्रल पंजाब दे देना, वो और जो नई पार्टी बनी उनको इतनी सीटें दे देना। हाँ, क्योंकि PTI बड़ी स्ट्रांग है KP के अंदर, चलो उनको साथ मिला देना, उसके साथ मौलाना फजल रहमान के साथ। यानी कोई यानी इंसान नहीं हम बसते यहाँ। 250 मिलियन की आबादी है 25 करोड़ की, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारा बंदर बांट हो रहा है जी, ये होगा कि अब ये वो गिद्धें बैठी हुई हैं नोचने के लिए, पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर हैं, बैंक बैलेंस बाहर हैं, मीटिंग्स बाहर हैं, उनकी इलाज बाहर है, शॉपिंग बाहर है, लेकिन वो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं जी सब बैठ के। तो मैं अपने पाकिस्तानियों आपको कहना चाहता हूँ, देखें अपना ईमान मजबूत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें, अपना मुकाम समझें। आप वाहिद दुनिया की वो कौम है जो बनी थी, मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के जो असूल हैं उनके ऊपर खुदा के वास्ता खड़े हों। मैं क्यों अकेला? सारी जमातें एक तरफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है। मुझे कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं बाहर बैठे हुए, खुदा के वास्ते इमरान खान बाहर आ जाओ, ये तुम्हें मार देंगे, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें सारे तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम अकेले हो।
तुम्हारी सारी पार्टी इन्होंने अंदर कर दी, मुल्क से बाहर चले जाओ। सारे मेरे ख्याल ख्वार जो बाहर मेरी बड़ी टाइम बाहर गुजरा है, मैं उनको सवाल, मैं उनको, मैं क्यों खड़ा हूँ अकेला आदमी, जरा आप कौम के सामने रख रहा हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरा अल्लाह पे ईमान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता, मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाज़त से, ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा, और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता, जो उसने लिखी हुई है उतनी होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊँ या हराम से करवाऊँ। मैं क्यों नहीं मुल्क से बाहर जा रहा, क्यों मेरे ऊपर? आपको पता है कि आप 6 और FIR आज काट दिए हैं, 170 पहले क्रॉस कर गया था, अब 6 और 180 के करीब पहुंच गया हूं मैं। हर वक्त नहीं FIR आ जाती है, मैं अदालतों में जाता हूं, मेरा सारा टाइम एक अदालत से दूसरी अदालत जाता हूं, और मैं अपने वकीलों को आज सलाम करना चाहता हूं, जिस तरह वो खड़े हैं और वो जिस तरह वो लड़ रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं लड़ता रहूँगा, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना है, वो हो ही नहीं सकता कि मैं सारे केसेस के, कौन कभी सुना है किसी मुल्क की तारीख में कि 180 केस एक आदमी पे कर दिए जाए 6 महीने के अंदर? कभी सुना है? कोई दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल है? कोई मिसाल है कि एक दिन में 15 क्रिमिनल केस हो जाएं? कोई हार्डन्ड क्रिमिनल ने भी कभी 15 एक ही दिन में 15 वारदातें की हैं? लेकिन इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत, ये जज, ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूँ, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूँ, अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूँगा, खुद बताऊँगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की, मेरे से क्या करना है? मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है, किस हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन, 30 इलेक्शन जीत गए 37 में से, कि सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं, तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वजीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था, हम DI खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस रिलीफ देने के लिए, वो जब सैलाब आया हुआ था, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते 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 वह सारा पहाड़ी इलाके में, वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था, वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आके उसने पोटवार उस उतर गया। फिर एक आदमी इन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा एक आदमी, जेल में डाला, जिसको पर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहाँ रॉकेट लॉन्चर लेके एक आदमी खड़ा था, बाल बाल बच के वहाँ वो नहीं हुआ। फिर 3 नवंबर हुआ, 3 नवंबर के बाद फिर मुझे कत्ल करने की कब कोशिश की गई? 18 मार्च को। किधर कोशिश की गई? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था, सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये जरा आप देखें कि ये जरा वीडियो देखें, ये खुसूसी गुलदस्ता है जिसके हाथ में प्लास्टिक है, और ये आपको सर जा रहे हैं, दरवाजे के सामने ये खुसूसी दस्ता है जो कि जिनके हाथ में प्लास्टिक है, और अदालत के तरफ जा रहे हैं स्पेशल फोर्स और
सारे इनको ब्रीफिंग दी जा रही है तैयारी के साथ बाकी को स्पेशल ब्रांच के लोग कि ये नाम मालूम वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का कि वहां लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। ये जरा अभी अब देखें कि जब मेरी गाड़ी अंदर घुसती है तो ये जरा आप सीन देखें कि ये अब गाड़ी अंदर घुस रही है उस कॉम्प्लेक्स में तो सामने क्या खड़ा है, इनके अंदर वो नामालूम अफराद भी घुसे हुए। और ये देखे जरा तमाशा, ये कभी देखा कि मैं अपने बेल करवाने जा रहा हूं, ये जरा सामने तमाशा देखे क्या हो रहा यहां प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज है कि वो इमरान खान के साथ है और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। आज वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया क्योंकि हम अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकलें यहां आपको मारने आ रहे हैं, वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहाँ जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर मफलर पहन के तो उन्होंने वहाँ घुस के, तो ये क्या करना था ये मेरी 22 मार्च को ये ज़रा देखें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूँ, मैं ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूँ। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं। इन्होंने दो स्क्वाड्स बनाई हैं उधर इस्लामाबाद से, उसने चूज किए IG ने और इधर से इसने मुंतखब किए जो पंजाब का IG है। इन्होंने दो स्क्वाड्स बनाई हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है, उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। और अब ये 9 मई का देखें, ये नामालूम अफराद किस ट्रक से उतर के और किधर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे, ये देखें ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। इसके अंदर ये मुझे टाइम पे ना पता चलता तो इन्होंने ये जो 9 मई को हुआ है ये 9 मई को इन्होंने तब करना था। 9 मई को क्या कि वो प्लान किया हुआ था, अंदर लोग घुसाए हुए थे जो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए थे, तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहाँ लोग होने थे, इनके लोग, वो दो IGs ने अपने लोग छोड़े हुए थे स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी, उस गोली के अंदर रिटेलिएशन में 1000 रेंजर तैयार किया हुआ था इन्होंने, यहां अटैक होना था जिसमें मुझे मार देना था, वहां से मैं बचता हूं। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि जिस आदमी की जान को खतरा है वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहां
सारी हर तरह की धमकियां हैं। हर रोज जब यहां से निकलता हूं तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे जिंदा वापस लेके आएगा। लेकिन मैं क्यों नहीं डर रहा? मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह में ईमान मजबूत करें। देखें, ये इस वक्त अगर आप ना खड़े हुए और ये जुल्म के सामने आप झुक गए और ये जो खौफ की जंजीरों में बंधे रह गए, तो आगे तो आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिर्फ आज़ाद कौमों का मुस्तकबिल होता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी कौम को आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, दो फिर से ये दो रास्ते हैं अब हमारे सामने। हम एक जिंदा कौम की तरह खड़े हों, हम एक कौम फैसला करें कि हमने ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करना, कि हम सारी कौम खड़ी हो उन लोगों के साथ जिनके घरों घर तोड़ के रात को जाके पुलिस जाके उनके ऊपर उनका घर लूटती है, तोड़ती है, उनकी ना उनके बीवी बच्चे देखते हैं, ना उनके नौकर देखते हैं। अच्छा, नौकरों को उठा के ले जाते हैं, वहाँ पख्तूनख्वा में गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, ये पुलिस कर रही है। तो ये इसके लिए मैं चाहता हूँ सारे वकील खड़े हों, जिसका भी घर तोड़े, और मैं अपनी सारी पार्टी को कह रहा हूँ आपसे, हम इनके खिलाफ केस करें, आईजीज के खिलाफ केस करें, जो उस इलाके का जो भी डीएसपी जो थानेदार हो उसके खिलाफ केस करें, कोई केस कर दें। अगर ये एफआईआर नहीं रजिस्टर करते, 22 के अंदर केस कर दें। वक्त आएगा, ये मेरा ईमान है कि ये जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमें ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम ये कौम जुल्म के सामने अब सर ना झुकाएं अपना, हम एक स्टैंड लें, हम खड़े हों कि हम ये नहीं जुल्म लेते। मैं जेल में जाता हूं, इनका ख्याल है कि ये जेल में जाएगा तो सब कुछ चुप। आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। वो इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात, बुज़दिली की सजा ही मौत है। और फिर ला इला इल्लल्लाह का एक और एक शेर है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे ये बता तो सही, और काफरी क्या है, और कुफर क्या है, शिर्क क्या है कि ये जुल्म के और ये खौफ के बुत के सामने आप झुकते जाएं, अल्लाह के ऊपर ईमान ना रखें। मैं जैसा भी जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं कोई फरिश्तों की जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ईमान दिया है, और ईमान की कुव्वत सब कुव्वतों से ऊपर होती है। अल्लाह ने ला इला इल्लल्लाह दिल में डाल दिया, इसलिए मुझे खौफ नहीं है, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हो। मैं अपनी सारी कौम को कहता हूँ, नौजवानों को कहता हूँ कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है। कितने लोग बाहर चले जाएंगे मुल्क के? चले 9 लाख अभी तक लोग चले गए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लोग जाएँ कोशिश करें मुल्क से बाहर निकलने के लिए। ये तो कोई हल नहीं है। खड़े हो के मुल्क के लिए जंग लड़े, खड़े हो मुकाबला करें। भागना तो सबसे आसान काम है। मैं सर पहले जरदारी नहीं बाहर भाग जाता था, नवाज शरीफ जब ऑपोजिशन बाहर भाग जाते थे, मैं क्यों नहीं बाहर भाग रहा? क्योंकि मैं इस मुल्क से, ये है मेरा मुल्क, मैं क्यों मुल्क छोड़ के जाऊं? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं क्यों ना केसेस लड़ूं, मैं क्यों बाहर भागूं? और मैं वो उनमें से नहीं जिसने जब बाहर जाके जिसने पैसे जमा किए हुए हैं, बादशाहों की तरह बाहर रह रहे हैं। मुझे तो पता है कितना महंगा वहां रहना, रहते कैसे? 400 रुपए का तो एक पाउंड है, किधर से इनके पास पैसे हैं? यहां का चोरी किया हुआ पैसा बाहर, यहीं रहेंगे, यहां लड़े खड़े होंगे पुरमन तरीके से, मुल्क में तोड़फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन हम ये वाजे कर देंगे कि हम हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। अल्लाह जब किसी को ईमान देता है, उनके खौफ दूर कर देता है। हम खौफ की जंजीर तोड़ बैठे हैं और हम ये जुल्म किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।